नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की यह बैठक 5 घंटे तक चली। खेल मंत्री द्वारा मिले आश्वासन के बाद पहलवान 15 जून तक अपना आंदोलन टालने के लिए तैयार हो गए हैं। सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की रांची टीम ने बुधवार देर शाम कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रांची के बड़ियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन और चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री का आरोप लगा है। अरबपति निखिल कामत ने फैसला किया है कि वह अपनी आधी संपत्ति को दान कर देंगे। फिलहाल अरबपति निखिल कामत की नेटवर्थ लगभग 28,000 करोड़ रुपए है। ज़ेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत ऐसा करने वाले देश के सबसे कम आयु के अरबपति बन गए हैं। निखिल ने ऐसा द गिविंग प्लेस के लिए किया है। इसकी स्थापना वॉरेन बफे और बिल गेट्स ने की थी। देश की राजधानी दिल्ली में सालाना 2 लाख टन तक की ई कचरा निकलता है, लेकिन 90% से अधिक कचरे का निस्तारण ही नहीं हो पाता है। हैरत की बात यह भी है कि देश में उत्पन्न कुल ई कचरे में 5% से अधिक हिस्सेदारी दिल्ली की होती है। हैदराबाद स्थित डुंडीगल गांव में एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र RE सस्टेनेबिलिटी रेड डॉन रिफाइनिंग लिमिटेड बनकर तैयार हो गया है। यहाँ रिफाइनिंग यानी कचरे से मूल्यवान धातु निकालने की सुविधा भी रहेगी। भारत में प्रवासियों के लिए मुंबई सबसे महंगा शहर है। इस मामले में नई दिल्ली दूसरे और बैंगलोर तीसरे स्थान पर है। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार वैश्विक रूप से 5 महाद्वीपों के 227 शहरों में मुंबई 147वें स्थान पर है। यह भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। वैश्विक रूप से इस सूची में हांगकांग सबसे आगे है। वैश्विक रैंकिंग में दिल्ली 169वें, चेन्नई 184वें, बैंगलोर 189वें, हैदराबाद 202वें, कोलकाता 211वें और पुणे 213वें स्थान पर है। CBI ने बुधवार को विशेष अदालत में बताया कि उसे ICICI बैंक के बोर्ड से बैंक की पूर्व CEO एवं MD चंदा कोचर के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह मामला बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को स्वीकृत कर्ज में कथित तौर पर धोखाधड़ी और अनियमितता से जुड़ा हुआ है। कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तान के समर्थकों की गतिविधियों को खुलेआम समर्थन दिया जा रहा है, जिसके तहत कनाडा के बैम्पटन शहर में इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई, जिसमें 2 सिख गनमैन उनको गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के एक शॉपिंग मॉल से सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति हटा दी गई है। मॉल में गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति लगाने पर सिख समुदाय भड़क गया था। पटना से लेकर पंजाब और अन्य राज्यों में सिख समुदाय के नेताओं और लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। विवाद उठने के बाद मॉल प्रबंधन ने मूर्ति को तुरंत हटा दिया। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके धर्म के मूर्ति में पूजा वर्जित है, इसके बावजूद गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति लगाकर उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में बनाया जा रहा है। इस विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 20 जून से शुरू हो रहा है। मान्यता अनुसार ये मंदिर उसी जगह पर बन रहा है जहां जनकपुर से लौटते समय राम जी की बारात रुकी थी। ये मंदिर 120 एकड़ की जमीन पर बनेगा। मंदिर की ऊंचाई करीब 270 फीट होगी। इतना ही नहीं, इस मंदिर में बनाया जाने वाला शिवलिंग भी दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा। मौजूदा समय में जिस टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फ़ोन चलाने से लेकर गाड़ी चलाने तक हर काम में AI का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं ChatGPT के आने के बाद से तो मानो AI को पंख लग गए हैं। अब एक और सेक्टर में इसका दखल बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें AI कॉइन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन काफ़ी बढ़ गया है। पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है। नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई टिकट की कीमत को लेकर कहा कि अमूमन छुट्टियों के मौसम में फ्लाइट के टिकट की कीमत काफ़ी बढ़ जाती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोशिश की है कि अप्रत्याशित तौर पर कीमतें ना बढ़ें और उसको लेकर हमने एयरलाइंस से बात भी की है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस साल की बात करें तो कई महत्वपूर्ण रूट पर टिकट की कीमत 14 से 61% तक पहले के मुकाबले कम ही है। पहलवानों के मुद्दे ने जिस तरह से तूल पकड़ा और 28 मई को पहलवानों को घसीटे जाने की तस्वीरें जिस तरह से देश के साथ साथ विदेशों में भी वायरल हुई, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बिगड़ रही छवि ने सरकार को चिंतित कर दिया है। यही वजह है कि सरकार ने अब पहलवानों के इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेने के लिए फिर से अपनी कोशिश शुरू कर दी है। इन्हीं कोशिशों के तहत पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की और अब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पहलवानों
को फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए एमएसपी घोषणा करने का ढोंग किया है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी तीन कड़वी सच्चाई है। पहला, किसान की फसल हिंदुस्तान में एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरा, किसान को लागत पर 50% मुनाफा नहीं मिलता। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और डीएनए की किसान विरोधी है। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची के बाद अब भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद पूरी दुनिया चखने वाली है। बताया जा रहा है कि भागलपुर के किसानों ने एपीडा के माध्यम से जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली खेप को विदेश रवाना किया है। इससे किसानों को अपने उत्पाद का सीधा मुनाफा मिलने वाला है। भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े कथित तो यौन शोषण मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंदोलन कर रहे पहलवानों से मुलाकात की। बीते दिन 7 जून को हुई, ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मंत्री की बातचीत से पहलवानों ने 5 मांगे रखी हैं, जिनमें यौन शोषण के आरोपी पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, WFI के निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, किसी महिला को WFI प्रमुख बनाया जाए, ब्रिजभूषण और उनके परिवार का कोई भी सदस्य WFI का हिस्सा नहीं होना चाहिए, 28 मई को पहलवानों के खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द की जाए, जैसे मांग शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी गुरुवार यानी 8 जून को झारखंड और बिहार के 7 जगहों पर एक साथ तलाशी ली है। NIA ने नरेश सिंह भोक्ता की हत्या के सिलसिले में नक्सलियों और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की। इस मामले में NIA ने बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में छापेमारी भी की। इसके अलावा झारखंड के पलामू जिले में आरोपियों और संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। 5 गिरफ्तार कमांडरों और 2 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स और नक्सलियों के समर्थकों के आवासीय परिसरों में तलाशी की गई और इसमें विभिन्न डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और सिम कार्ड आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ जब्त किए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक विवादित बयान दिया है और गोडसे को देशभक्त करार दिया है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का माहौल उड़ाते हुए कहा कि वह केवल गांधी उपनाम साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी को गोडसे ने मारा वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक मैंने गोडसे को जाना है और पढ़ा है, वह भी एक देशभक्त थे। गांधी जी की जो हत्या हुई उससे हम सहमत नहीं हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह जुबानी हमला करती है यह जग जाहिर है। वह एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो वही वार्षिक तोहफा भेजना भी नहीं भूलती। इस वर्ष भी अन्य सालों की भांति बंगाल के आम पीएम मोदी को भेजना नहीं भूली है। बता दें कि ममता बनर्जी पिछले कई वर्षों से आम भेजती आ रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि दुनिया कैसे हमें वाकई इंटरनेशनल मानने लगी है। उन्होंने कहा कि चीन के CPAC का सफल नहीं होना या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना भारत की बड़ी कामयाबी है। दुनिया अब वाकई मानने लगी है कि हम इंटरनेशनल हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा भारत को एक डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर देखने लगे। भारत को लेकर उनके विश्वास और भरोसे में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल रखा है। उनकी रणनीति अब सफल होती नजर आ रही है क्योंकि अच्छी संख्या में उनको विपक्षी दलों का साथ मिल गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को राज्यसभा में आसानी से नहीं पास करवा पाएगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण सरन सिंह के लिए राहत भरी खबर है। उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपने बयान से यू टर्न लिया है। हालांकि अभी तक उसकी ओर से केस वापस नहीं लिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बवाना स्थित एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान वह पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को याद कर बेहद भावुक हो गए। अभी इसको लेकर दिल्ली में सियासत शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए पोस्टर भी जारी किया, तो वहीं अब दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बनाई गई BP कानूनगो कमेटी ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर कोई बैंक किसी भी लोन लेने वाले ग्राहक के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट का नुकसान करता है या फिर उसे लापरवाही से खो देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आमतौर पर बैंक या कर्जदाता लोन के बदले संपत्ति के दस्तावेज मांगते हैं और जब तक लोन चुकता है नहीं होता है दस्तावेज रखे जाते हैं। फर्जी प्रवेश पत्रों को लेकर कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे 700 भारतीय छात्रों को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे प्रत्येक मामले का मूल्यांकन करेंगे और धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपनी स्थिति बताने का अवसर मिलेगा। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सैकड़ों भारतीय छात्र, जिनमें ज्यादातर पंजाब से हैं, कनाडा में सड़कों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भारत में उनकी आवजन परामर्श एजेंसी द्वारा धोखा दिया गया है। उसने उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए थे, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।
अगर आप ई रूपी डिजिटल वाउचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से जल्द ही आम लोगों के लिए भी ई रूपी वाउचर जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग कंपनियों को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए ई रूपी वाउचर जारी करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब नॉन बैंकिंग कंपनियां भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए ई रूपी वाउचर जारी कर सकेगी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने व्यक्तियों की ओर से ई रूपी वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है। मौजूदा समय में आम लोगों और लाभार्थियों के लिए समान रूप से लाभ को ध्यान में रखते हुए इसका दायरा और पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं बाबूलाल मरांडी, कुश कुमार यादव, नुन्नू कुमार गोलू, मोहम्मद सिकंदर, कुमारी संजना, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मुकेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर और अंशुप्रिया। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने कभी जर्दालू आम का स्वाद चखा है? यदि हाँ तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।